फिर से एक वीडियो में आप लोग का स्वागत है। वैसे आज है सावन सोमवार का लास्ट सोमवार और अपन लोग आज जाएंगे फरस गांव से थोड़ा सा अंदर में, वहां बाण गांव करके है और वैसे भी श्रद्धालु लोग वहां से आ रहे हैं सिहाव पर्वत से, वहां से जल लेके। तो अपन लोग आज जाते हैं बाण गांव में, वहां पे किस प्रकार रहेगा भीड़ और कैसे कैसे होता होगा वहां पे सावन सोमवार का पूजा वगैरह, ये सब आप लोग को दिखलाएंगे। और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। मिलते हैं बाण गांव में। तो अभी अभी जस्ट देख सकती हो अपन लोग पहुंच चुके हैं अपने गांव का पेट्रोल पंप में। इधर ये देख सकती हो और इधर देख सकते हो आगे में कुत्ता मर गया भाई साहब, जो कि ट्रक वगैरह कुछ चपका दिया है। और देख सकते हो आगे बोलबम वाले आपको देखने को मिल रहे हैं। और इधर देख सकते हो फरस गांव वाला पुल के पास में ही बोलबम वाले पहुँच चुके हैं। ये देख सकते हो कांवड़ यात्रा वाले जो कि सिहावा से आ रहे हैं, ये देख सकते हो पैदल पैदल। और सामने में डीजे वाला गाड़ी है, ये देखो। तो अपन लोग अभी अभी पहुंच चुके हैं फरस गांव में, अभी इधर से जाएंगे अब, ये देखो। और इधर होता है मार्केट, जो कि आज वैसे भी मार्केट है क्योंकि आज सोमवार है और सोमवार को ही फरस गांव का मार्केट होता है। देख सकती हो कुछ दुकान वगैरह लग चुके हैं और यहां से भीड़ वगैरह स्टार्ट होना। और इधर देख सकते हो बोलबम वाला गाड़ी जा रहा है वापस। और इधर देखो कुछ भीड़ वगैरह आप देखने को मिल रहा है क्योंकि आज मार्केट है। तो अपन लोग बाज़ार से फाइनल निकल चुके हैं। तो दोस्तों अपन लोग फाइनली पहुंच चुके हैं पासंगी में और अभी पासंगी से सीधा निकलेंगे बाण गांव के लिए। और इधर देख सकते हो बीमा गुड़ी, अपन लोग को बीमा गुड़ी देखने को मिला यहां पे और अभी निकलेंगे फाइनली बाण गांव। तो हेलो गाइस, जैसे कि देख सकते हो ये है यहां का एंट्री गेट, भवरदीप महाकालेश्वर धाम बाण गांव। ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डेकोरेशन किए हैं। इधर देख सकते हो सामने मंदिर भी है। तो हेलो गाइस, जैसे कि अपन लोग पहुंच चुके हैं नदी के किनारे में, जस्ट देख सकते हो घूमर वाला। और इधर अपन लोग बाइक वाइक को अच्छे से खड़े कर दिए हैं, बोल तो रख दिए हैं। और इधर भाई आगे आगे जा रहे हैं शूट के लिए। और इधर से पुल बना है, वो भी यूनिक तरह से, कुछ यूनिक तरह से बनाया है यहाँ का पुल को, और आप लोग को देखने को मिलेगा। और आप लोग को दिखलाते हैं भाई साहब कुछ इस प्रकार, ये देख सकते हो, ये देखो कुछ इस प्रकार यहाँ पे यूनिक तरह से पुल को बनाया है, ये देखो। और यहाँ पे पानी अभी बहुत कम है और उधर से पूरा पानी जा रहा है भाई, दो भाग में बढ़ चुका है इधर नदी, दो भाग में नदी बढ़ चुका है। और ये देख सकते हो यहाँ से कुछ बांस का बना है पुल को, ये देखो यूनिक तरह से। ये देखो भाई कुछ इस प्रकार यहाँ पे है नदी और यहाँ पे पानी बहुत कम है। और एक नदी उधर से है, दो भाग में बढ़ चुका है। एक लंबी नदी आता है इधर से, देख सकते हो एक भाग उधर गया है और एक भाग इधर, ये देख सकते हो। और आप लोग को दिखलाते हैं कुछ इस प्रकार यहाँ पे, ये देखो पुल है जो कि बांस का बना है, ये देखो। और यहाँ पे अभी पानी बहुत कम है भाई साहब, देख सकते, ये देखो यहाँ का पुल कुछ इस प्रकार बना है। तो अपन लोग इधर से जा रहे हैं अभी वहाँ पे जहाँ पे पहुँचने वाले हैं बहुत ही जल्द। इधर का व्यू कुछ इस प्रकार है और इधर भी एक नदी है और इधर भी एक नदी है और अपन लोग बीचों बीच टापू में है भाई साहब, देख सकते हो। और इधर भाई रूरल क्या है, रूरल यात्रा करके है, ये देख सकते हो। और ये अच्छा अच्छा कंटेंट डाल के पोस्ट करते हैं और ये बाहर से आ रहे थे टूरिस्ट, विदेशी लोग को भी घुमाते हैं, देख सकते हो। ये टाटा माई में अक्सर रहते हैं, अजय वट्टी करके हैं का नाम, तो इससे मुलाकात कर सकते हैं। देख सकते हो यहाँ का नदी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ये देखो यहाँ का पुल बोले तो नदी को बहुत ही गहरा है, नदी देखो भाई साहब इतना गड्ढा है, बहुत ही ज़्यादा गहरा है, ये देख सकते हो। और अपन लोग जा रहे हैं भाई साहब जहाँ पे भी हो रहा है
बोली तो घूमर घूमर करके वहाँ पे अभी जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहना दोस्तों। ये देखो आम का पत्तियों से, और इधर से रास्ता है वहाँ तक जाने के लिए, और इधर से भी नदी है, इधर से भी नदी है। बीचों बीच में जो टापू है ना वहाँ पे मंदिर है, तो आप लोग को वहीं ले जा रहे हैं। वहाँ पे है झूमर, झूमर करके घूमर घूमर करके है, तो आप लोग को वहीं ले जा रहे हैं और दिखलाएंगे किस प्रकार होता है वहाँ पे शिव भगवान, मतलब शिव जी का वहाँ पे मंडप वगैरह है, साथ मंडप वगैरह। तो अपन लोग वही सब देखने जा रहे हैं, तो आप लोग को भी दिखलाएंगे और आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहना दोस्तों। अपन लोग पहुंच चुके हैं जस्ट नदी के किनारे और मंदिर के किनारे में भी, मंदिर के नजदीक में। और ये देख सकते हो ये वाला नदी है जो कि पानी का बहाव बहुत ही ज्यादा तेज है। गाइस अपन लोग ना पहुंच चुके हैं, इधर देख सकते हो इधर भी एक मंदिर है जो कि नदी के उस पार में है, और वहाँ कार्यक्रम चल रहे हैं और अपन लोग ये वाला मंदिर में आए हैं, देख सकते हो। अपन लोग फाइनली पहुंच चुके हैं जिस मंदिर पे, वहाँ पे दिखा रहे हैं आप लोग को, ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार से यहाँ बना है मूर्ति वगैरह। और ये देख सकते हो यहाँ का टेंट वेंट से बनाया है तंबू वगैरह से, और ये है यहाँ पे बना है मंदिर, यहीं पे अभी मतलब होगा पूजा पाठ, और भगवान शिव का मंडप भी यहीं पे बना है, ये देख सकते हो। ये है भाई साहब, देख सकते हो मंडप, ये देखो ये मंडप बना है यहाँ पे। प्रकार से यहाँ पे स्वागत वगैरह कर रहे हैं, ये देख सकते हो, और इधर भी बहुत ज्यादा भीड़ है ये देखो, और यहाँ पे डीजे और बैंड बाजा के साथ यहाँ पे डांस कर रहे हैं, कुछ स्वागत के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, ये देख सकते हो।